वालेकुम नादरीन, जाने की चाह में खुश आमदीद नादरीन, क्लैप भाई। एडे वे हो गए तो नहीं पता लगा कितने क्लैप करी दी। हाले भी दसना पै रहा मैनू। नादरीन मेरे नाल फरीद साबरी और मिठापुरिया और मेरी फैमिली ऑडियंस साड़ी और मेरे नाल एक ऐसी शख्सियत। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, वाह के दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। वाह 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 वाह। अच्छा जी मैं आपको बताऊं, बचपन से यानी मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज। मैं एक आपके सामने जब कोई ऐसी शख्सियत आ जाए, ऐसा बंदा आ जाए जिसको आप 20-25 साल से देखते हो और बड़े हवस की, सॉरी वो क्या कहते हैं नहीं जी, मोहब्बत की नहीं, एक और इसका होता है हसरत, हसरत की निगाह से देखते हो, तो वो जब आपके बिल्कुल पास 5-6 फीट के फासले पे आके बैठ जाए तो कुछ हालत ऐसी हो जाती है। ये वो मेहमान हैं हमारे जो हमारी मेरी शख्सियत में मतलब मिलावट है, इनकी मेरी हरकतों में इनकी मिलावट है। इनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी कभी मैं कोई हरकत करता हूँ तो मुझे याद आता है कि यार ये तो वो मेरे उस्ताद, मेरे रूहानी उस्ताद वो करते थे। ठीक है जी, लेकिन रूहानी खत्म हो गया, अब जिस्मानी उस्ताद हो गए मेरे ये। ठीक है जी, अब ये है बिल्कुल जनाब, क्या करूँ मैं, मुझे मैं तरतीब नहीं लग रही अल्फाजा दी। सच्ची बात है, सच्ची बात, जेन्युइन बात है मैं कर रहा हूँ जनाब। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। जवाद वसीम साहब सर 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 सर, नहीं नहीं आप बैठे सर, आप बैठे सर, आप बैठे सर, बहुत शुक्रिया सर, बैठे आप। भाजी हेलो, ओ ठहर जाओ ना, सौ नहीं कीता। अच्छा एक और, एक और, एक वैसे तो अगर मैं इनकी मुख्तलिफ चीजों पे क्लैपिंग करवाता रहूं ना या आप करते रहे तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा, वो इनकी खूबसूरती जो है वो खत्म नहीं होगी। एक क्लैप कॉमेडियन बहुत है हमारे मुल्क में, लेकिन कुछ ये स्टेज आजकल जो जिधर चला गया या कुछ आर्टिस्ट उनको मजबूरन बहुत कुछ वल्गर करना पड़ता है। ये जो हजरात हैं ऐसा, ये जो हजरात है, एक बहुत बिग क्लैप इनकी ये बनती है। पूरी जिंदगी में मैंने नहीं सुना किसी की मां बहन को बात की हो, कोई वल्गर बात की हो, और या वल्गर ना करने की वजह से हंसा ना सके हो लोगों को। ये भी इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है बिल्कुल। इन्होंने सर आप प्लीज आप बैठे, ये इन्होंने ये बात साबित की है कि जरूरी नहीं कि वल्गर बात करके ही आप हंसा सकते हैं। आप अच्छी बात करके या साफ सुथरी फैमिली वाली बात करके आप हंसा नहीं सकते, बल्कि हंसा के लोट पोट नहीं कर सकते। यार यकीन करें, इनके एक ड्रामे में सिर्फ इन्होंने इतना कहा है, एक इन्होंने एक लाइन बोली है, उसके बाद मैं ड्रामा देख ही नहीं सका आगे। कि इधर एक वो सेट चल रहा है और एक जज साहब बैठे हैं जिनकी इन्होंने बहुत कीमत भी भुगती बाद में, और इधर शेर अहमद साहब हमारे लेजेंड वो खड़े हैं, और ये अब वकील है और शेर अहमद साहब ने कोई बात की है इनके मुलजम ने, तो अब इन्होंने ये एक्सप्रेशन और ये है कि भी देखो आया है गलत गल कर रहे, यानी ये है, तो अब क्या कर रहे हैं। शेर साहब ने बात की तो कहते जज साहब देख रहे हो देख रहे हो जज साहब, ओहो सर ये बात है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप भी काबिल एहतराम है, और ये सर ये मेरी फैमिली है या हमारी फैमिली है। चलो बिठा दोगे कदा डिग पाएगा फिर बैठ जाओ बेटे बैठ। और पिछले जो एक दो तो डिगे पे ने मेरी नजर तो हूँ तुम ना ना उन्होंने नजर तो डिग पैन इस तो पहले मैं डिग पाऊँ ड्रामे में ना सर आपने देखा तो होगा तकरीबन सारे इनके जो
आजकल टिकटॉक पे बड़े चल रहे हैं। एक ड्रामे में ये इंट्रो होते हैं और एक खातून होती हैं, वो इनको कह देती हैं, आओ बैठो पाजी, पाजी ये सुनते हैं, पाजी हाय हाय हाय, पाजी कह दिता मैनू साडे कदी मर्दा ने साडियां औरतां ने कदी ताडे बंदे नू पाजी किया। ए कौन साहब ने जेड़े घर जाने सकी बुढ़ी कहती भरावा एक मिनट मैं नकाब कर लो। ए कौन साहब ने कपड़े वाले नबील लगते ते मूह वालों महाराज दीन लगन दे रहे। हाँ जी मैं इन्हों की आखिरी गल पहले कर देनी, ए कौन साहब ने जेड़े बकवास कर रहे। अच्छा जी सर चाय पियोगे? ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕੀ ਚਾਹ ਜਾਨੀ ਕੀ ਚਾਹ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕੀ ਚਾਹ ਚਾਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਾਹ ਜਾਨੀ ਕੀ ਚਾਹ ਇਸ ਚਾਹ ਕੋ ਚਾਹ ਮੈਂ ਡਾਲ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਬਾਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਦੋੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਪੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਕਾਵਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੀ ਦੁੱਧੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ मुझे पता था तूने ये हरकत करनी है। ये देखे जी ये मेरे शूज चेक करे। ए कौन साहब ने रंग बिरंगे पैर वाले? ये है जी फैशन। ये आजकल फैशन चल रहा है। या फैशन जब होता वैसा होता है या जब एक पैर ना लबे होता वैसा होता है। ए सर अब ये दो जोड़े थे तो मुझे इसका बाया नहीं मिल रहा था इसका दाया नहीं, दाया बाया समझते हो ना? अच्छा मैंने भी दसो। अच्छा ये एक दिन ना इस तरह ये बूट पहने में तो बड़े परेशान थे। नहीं पंजाबी च, पंजाबी च। एक दिन ना इस तरह बूट पाए ना ते बड़े परेशान ते एक बंदा कहता भाजी जानी साहब ये की चक्कर एक बूट होर पाया कहते यार मैं खुद परेशान हाँ यहो जहा एक जोड़ा घर भी पिया है। आहो वो भी खराब होया ये भी खराब होया समझ नहीं आ रही मैनू। वाह 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 सही गल देखिया पता लगा है कौन साहब ने। अच्छा जानी खान जी मैं एक रिक्वेस्ट करा पहले मैं चाह चाह। अच्छा जी आप में से हाथ ऊपर करें जो बेहतरीन चाय बनाना आती है जिसको बेहतरीन चाय किसको बनाना आती है? ओ बाजी पता की है इको बारी दूध मंगाउंदे ने चैनल वाले मैं उधर रिस्क नहीं लेना। ये पता की है एरा वे बाजी बाज कवे हो जानी घर ते सही बनदी सी। हां ना हां जी हां जी सही गल तो इसलिए आप बनाएगी। अच्छा उधर दे जरा। हां जी बाजी आपका नाम क्या है? अजकल नाम जुंदा इस तरह का पिंकी। अच्छा हाँ रुखसार। अच्छा वैसे पिंकी का क्या हाल है? पिंकी जी पिंकी जी ना हूँ थोड़ी थोड़ी जी ब्लैक होनी शुरू हो गई। अच्छा जी बाजी चाय बनानी आती है? हाँ जी बेटा। पक्का? हाँ जी। की एक्सपीरियंस आ की इना कॉन्फिडेंस क्यों आ के भी मेनू चाय बहुत अच्छी बनानी आंदी? मैं घर चाय बनानी है खुले दूध दी। नहीं बाकी सारियां बुढ़िया बाहर गली जाके बनाउंदी हैं सारियां घर ही बनाउंदी। खुले दूध दी शक्कर ते चीनी थोड़ी जी पत्ती ते साडे को ते शक्कर है नहीं हुण साडे को ते पत्ती है ते चीनी थोड़ी जी फिर हैगी मैं फिर कबूल कर लै मैं बना देनी है तुहानू। ऐ मैनू रौला ही लगदा है फिर कबूल कर लेना हुण है मेरी भैण आ मैं कह भी कुछ नहीं सकदा। बाजी ने थोड़ी देर बाद कहना आ जाओ मेरी रेड़ी ते चलने फिर साडे खानदान च मशहूर है चा। अच्छा बाजी तुहाडा जिहड़ा बोलन दा स्टाइल है ना बाजी रेशमार गाइड सिंगर भी सी। मैं सही कह रहा बिल्कुल फील हो रहा ना। अच्छा अच्छा चाय तो होर की बना लेंगे भिंडी बना लेंगे भिंडी गोश्त जी कचनार हाँ जी सारा कड़ी ले हर चीज बना ली थी इनू किसी दिन उल्लू बनाओ ना फिर पता लगे। हाँ जी ए बाजी ने किन्नी बड़ी चाह बना के भला की कहना ये मैं अपने लिए बनाई है तुसी अपनी बना लो। लो जी हाँ जी ओके जी चाय पियेंगे
बाजी की हाथ की जाए। मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, अच्छा, उस दौरान आप आए अपनी सीट संभाले। नादरिन यहां पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। थोड़ा पुराना रखा पाया सी, हाँ जी, वो टूट गया, पता नहीं कदों का रखा हुआ है। शो तू कदों किन्ने दिन बाद करना आना है। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अच्छा जी, हमारी बाजी जो है वो चाय बना, एक ही कीता, पता नहीं केड़े जमाने का रखे, हम टूट गया हम, पता नहीं। थोड़ा पुराना रखा पाया सी, हाँ जी, वो टूट गया, पता नहीं कदों का रखा हुआ है। शो तू कदों किन्ने दिन बाद करना आना है। असी नहीं पीनी टुंडे चौए पौए की चाह। यार आ यकीन करो कोई बंदा मैनू मोड़ के बहावे। मैं लगता पवा जानी तो कोई 10 साल बड़ा है। लाहौर दा पवा अख्तर पवा सी। किता कि नबूवत बेटा क्या हुआ है? बस उन्होंने पकड़े और वो टूट गया उनके। टर्मिनेटर 2 अम्मी। इस मौके ते मैनू शेर याद आया जी, दिल टूट भी जाए तो कोई बात नहीं। इस मौके ते तुहानू इह भुल गया। हां भुल भी गया तो कोई बात नहीं। बाजी अगर पौआ टूट गया कोई मसला नहीं, मैं आ जाऊंगा, मैं इंज करके बनाई जाऊंगा। शेर याद आ गया जी, शीशा टूट भी जाए तो कोई बात नहीं। वाह, शीशा टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, पवा टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लाइक पवा, दिल ना टूटे के बिकता नहीं बाजारों में। हाय वाह वाह वाह। अच्छा जी, मैं भी शेर याद आया। नहीं बेटा नहीं, मैं क्या जी, कच्चा पवा दिया तूने मेरे प्यार का। अच्छा मैं तुम्हें वो सवाल करांगा जेडे शायद तुम किसी कभी किसी ने किए हो या ना किए हो। वेलकम जी, तुम्हारा नाम की है? जिस तरह बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे ने जिन्हों जो शौक पैंदा है किसी सिंगिंग का या कॉमेडियन बनने का, थिएटर का, फिल्म का, कोई भी, उन्होंने सब तो पहले उन्होंने जिन्होंने असं कहने ना डॉगों वाली होंगी है वो घरों ही शुरू हो जाती है साढ़े पंजाब दे विच ना। तो जिस तरह मैं मतलब बहुत फाइट की थी, मन दे ही नहीं सी मेरे घर दे भी, तुसी ईजीली घर दे मन गए सी कि तुसी इस फील्ड च मतलब ठीक है बेटा चले जाओ, या फाइट करनी पई, या कोई ऐसा उस दौरान का कोई वाकया जितना ये गल क्लीयर हो जाए साड़ी? आज मैं तुम्हें ऐसी गल दसंगा जो मैं कभी किसी इंटरव्यू नहीं दसी, ये तुहाडी जिहड़ी शफ़क़त है मोहब्बत है, बाद च कर लांगे ना सैड। नहीं नहीं, अज सरेआम गल सारो, साडियां भैणां बैठियां की करदे पे? हां ते साडियां वी भैणां ने, साडियां किहड़ियां दादियां ने। उस जमाने दे विच जानी साहब एक ते थिएटर जिहड़ा है ना वह कोई गंदगी दे हवाले नाल नहीं पहचाना जांदा। ओके, असीं सारे घर दे सारे मेरे फैमिली सारे यूनिवर्सिटियां दे पढ़े सारे पढ़े ज़्यादा बहुत, तो वह इहनूं इहनूं बॉदर नहीं करदे सी। ओके ओके, ਉਹ ਵਾਕਈ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਰਾਮਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਐਡੇ ਅੱਛੇ। ਹਾਂ ਅਲਬਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਡਰਾਮੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? उनका मैं पता लगा मेरा मुंडा खुसरा निकल आया। दिल च तो मैं हम बाहर जावांगा तो लोग मैं कहेंगे हाँ आई वह दादा। तो एक लेकिन मेरी वालदा क्योंकि खुद हेडमिस्टर सन, माशाल्लाह, अब्बा जी
ਨਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹ 75 75 ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 1950 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸਨ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇਗਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਘਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਭਾਈ ਨਾਦਰੀਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਨਾਦਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਚਾਹੇ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਆਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬਾਜੀ ਚਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਕੈਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਚਾਹ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਚਾਹ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਸਾਰੀ ਬਣਵਾਈ ਆ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਡੋਗਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਡਾਲ ਲੈਨੇ ਤੋ ਓ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਰਿਛਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆ ਇੱਧਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂ ਆਪੀ ਆਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀਗਾ ਓਏ ਕੈਸਾ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੌ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਉਰਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਖਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਐ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਵੇਖ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਜੀ ਲੈਚੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਜਰੀ ਪਾਤੀ ਨਾਦਰੀਨ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਾ ਕਿਚਨ ਹਾਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਭਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੇ ਜਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਚਨ ਮਖਾਉਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੱਪ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਜ ਪੈਣ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਕੱਪ ਨੀਚੇ ਸੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਕੱਪੜਾ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜਾ ਲਓ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਲੈ ਕੀ ਗੱਲ 1000 ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪਈ ਤੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਓਏ ਆਪਾਂ ਹਮ ਬੈਚ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੀ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਪੱਤੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਭੈਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ 2000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਏ ਆਪ ਆਪਕੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਸਾਥ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਵਾਈਫ ਹੈ ਵਾਈਫ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਸਕੇ ਦਾ ਬਾਪ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਭਾਬੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੁਰਾ ਕੋਈ ਸਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਲਾ ਬੈਠਾ ਜੀ ਇਧਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਲਓ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਂ ਸੱਸ ਰੱਖ ਸਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਸਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੂ ਹੋ ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਓਕੇ ਸਾ
ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਾ ਯਾ ਮਾਮੂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਮੂ ਦਾ ਮਾਂ ਜੈਸਾ ਮੂੰਹ ਮਾਮੂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਤੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕਰ ਨੀ ਨਾ ਨੀ ਨਾ ਨੀ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਨੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ ਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਸਾਂਡੂ ਸਾਂਡੂ ਨਾ ਕਹੋ ਹਮ ਜ਼ੁਲਫ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹਮ ਜ਼ੁਲਫ ਵੈਸੇ ਸਾਂਡੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਨ ਸਾਨ ਡੂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨ ਡੂ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਹ ਸਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬੁਲਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮਨਾਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਸਾਲਾ ਆਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਲਾ ਸਾਲ ਸਾਲਾ ਸਾ ਲਾ ਲਾ ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾ ਲੈ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਪਣਵਈਆ ਵਤਾਵਈਆ ਪਨਵਈਆ ਵਤਾਵਈਆ ਪਨਵਈਆ ਵਤਾਵਈਆ ਮੈਨੇ ਦਿਲ ਤੁਝਕੋ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਦਿਲ ਉਸਕੋ ਦਿਆ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਆ ਲੈ ਮੈਨੇ ਦਿਲ ਤੁਝਕੋ ਦਿਆ ਤੂਨੇ ਦਿਲ ਉਸਕੋ ਦਿਆ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਆ ਤੇ ਪਨਵਈਆ ਵਤਾਵਈਆ ਵਾਹ 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 ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਦਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਸੀ ਮਾਸੀ ਮਾਂ ਸੀ ਮਾਂ ਜੈਸੀ ਮਾਂ ਜੈਸੀ ਮਾਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਸੜ ਮਾਂ ਸੜ ਯਾਨੀ ਖਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੀਵੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਗੋਡਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਸੜ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੋ ਚੂਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਚ ਨਿਕਲੇ ਦੋ ਰਾਣੀ ਦੋ ਰਾਣੀ ਦੋ ਰਾਣੀ ਦੁਰਾਣੇ ਨੀ ਦੋ ਰਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਠਾਣੀ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਦੂਜੀ ਆਈ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਦੋ ਰਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਓਕੇ ਦੋ ਰਾਣੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਛਪਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਤਾਇਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨਾ ਕੁੜਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜਮ ਦਾ ਕੁੜਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜਮ ਅਸਲ ਚ ਲੱਗਾ ਫਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋੜ 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 ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਬੱਚੀ ਬਚੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹਤੀ ਉੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਕੋੜਮ 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 ਕੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੋੜਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ ਇਸ ਪਰ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜਮ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਲੈਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਪ ਕਰਨੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਲੈਪ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੈਜੂਅਲ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਨੀ ਬੇਟਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਨੀ ਬੇਟਾ 2 ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੰਮ ਲੈਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਦੁਆ ਦੀਜੀਏਗਾ ਮੈਂ ਬਸ ਦੁਆ ਦੀਜੀਏਗਾ ਬਸ ਮੌਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ
समझ आई तुहानू हाथ चुमन दी? प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद जी नाजरीन। अच्छा जी, इन्हें बच्चों को मशवरा दियो कि ये जान हो के बैठे रहन। मेरा ख्याल है जान। हाँ लो जी, ए तुहाडा बोर्ड। जानी खान जी, मैं एक रिक्वेस्ट करनी है। मैं जी जिदों दा इस फील्ड च आया, मेरी एक ख्वाहिश है। अच्छा, ये की को कर रहे हैं? नॉर्मल गल कर, की गल है? हे, मैं एक रिक्वेस्ट करनी। तो कस जानी भाई, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी, इस तरह आराम ना गल कर। इनू ख्याल है खैना के चाह तत्ती लग रहे। नहीं सारे ए हाँ हाँ माला खुश रखे थोड़ी थोड़ा भी ना 2019 जो आठा थले आया वा, खुदा दा ना जे माफी दे दियो। अच्छा जी, मैं अर्ज़े करना जी, मैं थोड़ा बहुत बड़ा फैन है, ते मेरा दिल करता जी तो तुसी मिलो, मैं थोड़े को हाथ चूमना चाहना। जी एक मिनट क्लियर कर दरा, मैं उन्हें हाथ चूमना चाहना जी, मैं सच्ची पूछ। एक मिनट पहले इजाजत ले लें, इजाजत कितने कितने अदारे नु कहना किसी ने। ठहर जाओ एक मिनट सर, आपके हाथ चूमना चाहता है एज ए अकीदत मोहब्बत। हाँ जी, आपको बड़ा समझ के, उस्ताद समझ के, बुजुर्ग समझ के, तो इजाजत है। मेरी खुशकिस्मती है कि ये नए नौजवान हमारे। अच्छा, हाथों के बिल्कुल उन्होंने ना पैर भी लग गई, पैर इन्हें देख ली अगर तेरा जेन बने। मैं फिर भी चुम लेना जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह कामयाब करे। दुआ दीजिएगा, हमें बस दुआ दीजिएगा। बस मौला माफ कर दी। समझ आई तो अनु हाथ चुमन दी? ऐवें नहीं किसी हाथ चुमा दे दे। तू मेरे ना, वैसे इनू कहो कि मेरे ना रिहा कर। क्यों? अंगूठियां ये लाएगा तो मैं मेरे हाथ आपे चुमे जाने। और सारे तेनिया अंगूठियां लाउंदा वा, सका वाले तेनू इदा मिलदा, हाँ कैसे हो? इनू तो बंदा वेख के आया करता, ओ फरीद साहब क्या हाल है? लेकिन जानी साहब, तुसी सारे मैं एडे अच्छे लगते हो सर, लव यू, कि अज ए मैं अंगूठी अपने पुत्र नू देना। ओए बहुत शुक्रिया सर, बहुत बेटा। इदो कहते ने ना, इधरा कि जिहड़ी मुकद्दरा चीज हुंदी ना, ओह बंदे नू मिलनी हुंदी आ। हां जी, अगो तुहाडे सिर हुंदा, तुसी उहनू किस तरीके नाल हराम कर लो, हलाल कर लो, हराम कर लो, हलाल कर लो, जिहड़ा तू घट ही करदा वा। नहीं, ए भी ओही आ, मेरी मुहब्बत अकीदत मैनू मिली है जी, इहनां को मिली है मेरे को ता क्यामत रहेगी जी। तुसी अपना सर, ओह कल्ला ही पुत्रा, मैनू को टाइम ही दे दिओ भी, इत्थे कर लांगे, इत्थे आ जी पुत, तू फिर मेरे घड़ी ला ला, भी सस्ती है। नहीं, इन्हें जराब दे दियो, मतलब एक घड़ी दी घड़ी गल विकड़ी बहुत दूर तक जांदी, इन्हें पाई रखो तुसी। बैठे हुण जिहड़े साडे सुण रहे ने लोग, जिहड़े तुहानूं नहीं मिल सकदे जां तुहाडे कोल नहीं, उहनां वास्ते की पैगाम आ? जिहड़े फील्ड दे विच रहि के उहनां नूं किस किस चीज़ दा प्रेज़ करना चाहीदा? देखो, जिहड़ा फील्ड जे जिहड़ा आउट ऑफ फील्ड जाणा ते उहने अल्लाह कोल आया है। हां जी, ते पेशी होणी है जी, बिल्कुल। लेकिन साडी जिहड़ी शो बिज़ है ना, इहदी ना इहदा शो बिज़। हां जी, शो बिज़ लाइक नन बिजनेस लाइक शो बिजनेस। ओके, सब तो दुनिया जानी, जदों असीं जहाज़ 'च जाने आ, हुण मैं अमरीका जा रहा सी तां तकरीबन अद्धा जहाज़ मैनू को मिल रहा, ईवन फिर अमले ने कहा कि लॉ इजाजत नहीं दे रहा कि तुहानू इस तरह जहाज़ दे विच, वह बंदा फिर पागल हो जाता। आटोग्राफ आ रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं, वो समझा करके मैं कोई यूनीक चीज़ हाँ, तो है मैं नहीं, मैं भी आम ही हाँ, सारे आम ने, सब ने अखीर अल्लाह के कोल चले जाए। तो साढ़े सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ा सानू पैगाम दिता है कि भी ओदी तैयारी च लगो। देखो, मैं फील्ड नहीं छड़ी, मैंने बड़ी दुनिया ने कहा सी, मैं कहा ना ना ना, मैं अपने बच्चे छड़ के कितने चला जा, इन्हें कितने हवाले करा। तो अज उही ने माशाल्लाह सा हर साल हज करते हैं, नेकियां छड़ो तो ना ना, होर केड़ी नेकी कबूल हो जाए, ये थोड़ी कहना जी। बहुत अच्छे, वाह वाह। तो कभी आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए कि मैं बुरा ना है, ना ना ना, मेरे आका लैस नाम के, जो छोटी से छोटी नेकी को भी मामूली ना समझो, तो छोटी से छोटी बुराई को भी छोटी ना समझो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, अल्लाह पाक नू तुसी सारे। अच्छा, यानी बुराई भी छोटी तो छोटी भी होवे तो उन्हें छोटी ना समझो? ना 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 ना, सॉरी यार, आज तो बाद तू वड्डा वा मेरे लिए, जा।
अच्छा जी सर आया तो तुम्हारी गल्लां बहुत अच्छी ने असी सुन लिया इंशाल्लाह पूरी कोशिश करांगे असी इत्ते अमल करिए ते सर वो जिहड़ा सी ना एक जज साहब सुन रहे हो सर जी क्या कहने अच्छा हुण ए जरा आप ही गल करनी है भी वो सारा सिचुएशन तो चलो बस समझो कि एसओएल साहब ने हाँ एसओएल साहब ने चांदपुरी साहब की मैं कतल का मेरे इल्जाम ला रहे ने मैं कतल नहीं किया जज साहब सुन रहे हो सुन रहे हो जज साहब सुन रहे हो ना सुन रहे हो जज साहब सुन रहा हूं तो फिर हाँ हाँ क्यों नहीं किया वकील साहब आप अपनी जगह पे जाएं यस सर आ जाओ इधर आओ लेकिन नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी जिंदगी का ये यादगार प्रोग्राम है और यकीनन आपका भी खुश है आप सब हमारी ऑडियंस बहुत शुक्रिया सर थैंक यू अल्लाह हाफिज अपना बहुत ख्याल रखिएगा अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है।